के संगति में एक और बार मिलके आने के लिए परमेश्वर एक अच्छा अवसर खोल के दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में हम लोग कलीसिया के बारे में हम लोग पढ़ के आ रहे थे, कलीसिया के नामीकरण के बारे में हम लोग देखा। उसमें कलीसिया का नाम नामीकरण के हिस्से में एक उदाहरण बताया था, उसके बारे में मैंने बोला था कि कलीसिया के नाम का एक उदाहरण प्लांटेशन बोल के कहा जाता है, याद है प्लांटेशन। पहली कुरिंथिया 3:6 में से मैं बता रहा था कि परमेश्वर की कलीसिया का एक उदाहरण एक नाम प्लांटेशन के हिस्सा के हिसाब। एक बार पढ़ के देखते हैं, पहली कुरिंथिया 3:6। हालेलुया, थैंक यू जीसस, होली गॉड, वी वर्शिप योर नेम। मैंने लगाया अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। यस, उसके बाद इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न जीतने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। यस, उसके बाद नवा वचन 9:9। लगाने वाला और जीतने वाला, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तो परमेश्वर की खेती। यस राइट, देखे ना वहां पे प्रयोग किया गया शब्द कलीसिया को बता रहा है, खेती प्लांटेशन फार्म, उस प्रयोग वो उदाहरण का नाम दिया गया है। इसलिए कलीसिया को हम लोग क्या करते हैं, खेत कह सकते हैं। उस खेत में क्या करते हैं, बीज जैसा एक खेती उगाता है, वैसे ही परमेश्वर के दासगण, नहीं तो परमेश्वर के भक्तगण क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को घोषणा करके, नहीं तो परमेश्वर की वचन की बीज बोकर क्या करते हैं, उगवाते हैं। इसीलिए उसको परमेश्वर का फार्म कहा जाता है, खेत कहा जाता है, समझ रहे हो। तो खेत में काम करने के लिए आज परमेश्वर सभी लोगों को बुला रहे हैं, जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करता है उनको खेत में काम करने के लिए परमेश्वर बुला रहे हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा क्या है, खेत उगी पड़ी हुई है, काटने वाले कम हैं। हेलो, काटने वाले, क्योंकि बीज बोकर डाल के चले गए, मगर कौन नहीं है, काटने वाले है ही नहीं, समझ रहे हो मेरी बात। तो परमेश्वर की कलीसिया को खेत का प्रयोग दिया जाता है। तो यहां पे जो हम लोग पढ़े वहां पे देखे हैं, बता रहे पौलुस बता रहे, मैंने इस खेत में क्या किया, बीज बोया, लिखा है ना, उसकी 6 वचन में लिखा है, लग रहा है 6 में लिखा है, आई प्लांटेड अपोलोस वाटर्ड, मैंने बीज बोया, पेड़ उग गया। बीज बोना एक दिन की काम है, मगर पानी देने का काम कब तक है, जब तक पेड़ बड़ा नहीं होता, जब तक पेड़ का क्या बोलते हैं फल नहीं निकलता, काटने का समय निकलता नहीं, तब तक पानी देना जरूरी है। तो हम लोग का काम क्या है, बीज बोना, पानी देना, परमेश्वर का वचन बीजना, पानी देना। इसीलिए कलीसिया को बहुत अतियुक्त रीति से जरूरत वाला चीज क्या है, परमेश्वर का वचन। द वर्ड ऑफ गॉड इज द मेन एंड प्रोमिनेंट थिंग विच ए चर्च नीड टू बी इन्फ्लुएंस्ड। एक चर्च की बढ़ोतरी के लिए, एक कलीसिया की वृद्धि के लिए परमेश्वर का वचन का बहुत जरूरी है। और शैतान हमें कंफ्यूजन में परमेश्वर के वचन से ही कंफ्यूजन लाता है, समझ रहे हो। परमेश्वर के वचन को ही शैतान क्या करता है, तोड़ मोड़ कर उलट पुलट करके हमें कंफ्यूजन में डाल देता है। इसीलिए आज कलीसिया को परमेश्वर पहली उदाहरण के हिसाब से नामीकरण एक खेत के समान देता है। खेत में किसे कैसे पानी की जरूरत है, वैसे कलीसिया को कलीसिया की खेत में पानी क्या, परमेश्वर की वचन की जरूरत है। परमेश्वर के वचन के साथ साथ पवित्र आत्मा की श्रेष्ठता, पवित्र आत्मा की अभिषेक की भी जरूरत है। दोनों की मिलावट कलीसिया को वृद्धि में ला सकता है, समझ रहे हो ना। तो पहली कुरिन्थियों 3 कुरिन्थियों की मलिकिया के बारे में बताता है। अगर प्रेरितों का किताब 18 अध्याय 1 वचन अगर पढ़ते हैं तो इस कलीसिया की स्थापना वहां पे लिख गई है। प्रेरितों का किताब 18:1 साउंड ऑफ है। के बाद पौलुस इफेसुस को छोड़कर तुरंत में आया
देखा ना पौलुस कहां पे आया, एथिन को छोड़कर कोरिंथ में आया। कोरिंथ में आकर क्या किया, वहां पे किन के घर में रुका, इटली के एक निवासी थे, कौन, प्रस्किल्ला और एक्विला, एक्विला और प्रस्किल्ला है ना, उनके वहां रुक कर परमेश्वर की वचन घोषणा करके ये कलीसिया की प्रारंभ किया। हेलो, हो मेरे साथ? देखो उसकी तीसरी वचन, देखो तीसरा वचन, देखो उनके यहां ये काम में लग गया, कौन, पास्टर जी काम में लग गए। काम में लगते वक्त खाली काम ही नहीं, मुंह में, मुंह से बात, परमेश्वर की वचन भी बोलना शुरू किए। हेलो, सुन रहे हो? इसलिए आज सुबह एक चीज मैं बोलता हूं, अगर तुम कलीसिया के सदस्य हो, तुम जहां कहीं भी जिस भी कंपनी में काम करते हो, जिस भी नौकरी करते हो, अरे काम हाथ से करते हो मगर मुंह से परमेश्वर का वचन घोषणा करना शुरू करो। आर यू देयर विथ मी? काम हाथों से चलती है, कंप्यूटर हाथ से चलता है, मगर मुंह, मुंह से परमेश्वर की वचन की घोषणा जरूरत है। इसीलिए पौलुस इस कोरिंथ में आकर इनके साथ मिलकर काम करते करते परमेश्वर की वचन की शक्ति रिलीज कर रहा है। परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की वचन की शक्ति रिलीज करने के द्वारा इनका मन परिवर्तन हो गया, ये लोग परमेश्वर के निकट आने का शुरू करते हो गए। इसलिए मेरे बोलने का मतलब, परमेश्वर के वचन मुंह से बीज बोना शुरू किया। ही स्टार्टेड प्लांटिंग द वर्ड ऑफ गॉड। तुम जहां भी काम करो, जिस भी कंपनी में नौकरी करो, तेरा हाथ काम करना चाहिए, उसके साथ तेरे मुंह परमेश्वर की वचन घोषणा करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें उस कंपनी में परमेश्वर रखे क्यों, परमेश्वर की वचन घोषणा करने के लिए। ठीक है, परमेश्वर के वचन बोल नहीं सकते हो, परमेश्वर की वचन के ही, परमेश्वर के वचन का अनुसरण तेरे शारीरिक प्रक्रिया में दिखाओ। ऑफिस का टाइम 8 बजे से 4:15 बजे तक है, तो करेक्ट 8 बजे आओ और करेक्ट 4:15 बजे निकल जाओ। वो देखने से तुम सुसमाचार किसी बोलने की जरूरत नहीं है, ये टाइमिंग करेक्ट फॉलो करने से उसको पता चलेगा ये एक विश्वासी है, इसके अंदर मसीहत है, इसके अंदर यीशु मसीह जिंदा है। यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति है, टाइम पर आने वाला व्यक्ति। ठीक है, सुसमाचार नहीं बोल सकते, अपने शारीरिक प्रक्रिया में वचन को दिखाओ। स्टार्ट रिलीजिंग द वर्ड ऑफ गॉड थ्रू योर एक्शंस। प्लांटेशन ऐसे ही होता है ना, बीज बो देते हो तो कितने दिन के बाद पता चलता है कौन सा बीज बोया है। मेरे साथ में हो? जो बीच में क्या होता है, बीज आता है, कितने कितने बीज आते, कौन सा बीज है पता नहीं चलता है। इसलिए बीज कौन सा है पता करने के लिए कहा, मिट्टी में डाल दो, बीज पता चलेगा, उग कर आने के बाद पता चलेगा। अगर तेरे अंदर परमेश्वर की वचन के सामर्थ्य है, तू कलीसिया के योगदान में रुका एक व्यक्ति है, तू उग के आते वक्त ही पता चलेगा तेरे अंदर कौन सा सीड है। इसीलिए पौलुस बताता है, मैं इस कलीसिया की स्थापना किया, मैं इस कलीसिया को प्लांट किया, वचन घोषणा करके उस कलीसिया को क्या किया, बढ़ोतरी लाया। इसलिए मेरे बोलने का मतलब है, द किंग ऑफ ज्यूस, वो देखते ही एक चीज उसको समझ में आ गया, ये व्यक्ति जो सूली पर लटका है वो साधारण व्यक्ति नहीं है। देखो, एक शब्द एक व्यक्ति का जीवन परिवर्तन में ला रहा है, यहूदियों का राजा। वो एक शब्द उस व्यक्ति को अट्रैक्ट किया। हो मेरे साथ? लिखा किसने? रोमियो राजाओं ने लिखा, मगर लिखवाया किसने? यहूदियों ने बोलकर लिखवाया, नहीं तो यहूदियों से सुनकर लिखवा गया। यहूदियों का राजा, उस एक शब्द में इस चोर को एक चीज पता चल गया, ये एक साधारण व्यक्ति नहीं, ये एक राजा है, इसका एक राज्य है। इसलिए वो चोर क्या बोल रहा है, परमेश्वर जब तुम अपने राज्य में राजा बनकर जाओगे, मुझे एक प्रजा के समान एक्सेप्ट कर लेना। हेलो, सीड 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 डाल दिया जा रहा है, बीज बोया जा रहा है। यहूदियों का राजा वो एक वचन है। ओ मेरे साथ,
वो एक शब्द एक व्यक्ति को परिवर्तन में ला सकता है। तो हमारे मुंह से निकलने वाली एक एक वचन कितनों को उधारी में नहीं ला सकता। हेलो हेलो हेलो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरी वचन दो धार खड्ग है। वो क्या करेगा? शरीर के अंदर अंदर तक जाकर वो काम करेगा। बाइबल कहता है परमेश्वर के वचन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। वो परमेश्वर का वचन जाएगा, काम करके ही वापस आएगा। हो सकता है 1 साल 2 साल 5 साल 50 साल 100 साल 150 साल 400 साल 4000 साल कुछ भी हो सके, मगर काम करके ही वापस आएगा। वो है परमेश्वर का वचन का शक्ति सामर्थ। वो मेरे साथ। इसलिए पौलुस कहता है परमेश्वर के कलीसिया एक प्लांटेशन है, एक खेत है। उस खेत में हम लोग कर्मचारी हैं। वी आर द वर्कर्स लेबरर्स वर्किंग इन द प्लांटेशन वर्किंग इन द फार्म। तेरा पसीना गिरना है, तेरी आंसू गिरनी है, तेरा पांव उस जमीन में कुचलना है, तेरी कष्ट तेरी श्रम तेरी परिश्रम उस जमीन अनुभव करना चाहिए, तो ही उसके अंदर से कुछ उग के आ सकता है। इसलिए उगने के लिए क्या चाहिए? परमेश्वर की वचन। इसलिए बाइबल में देखेंगे बहुत सारे लोगों के बारे में बाइबल में लिखा गया जो प्लांटेशन में काम किए, फार्म में काम किए, खेत में काम किए हुए लोगों के बारे में बाइबल बहुत कुछ बता रहा है। थोड़ा वो थोड़ा हम लोग देखेंगे। उल्पत्ति के किताब 4वीं अध्याय उसकी दूसरी वचन, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 2। फिर उसने उसके भाई आबिल को भी जन्म दिया। आबिल बकरियों का चरवाहा बना, परंतु केन भूमि पर खेती करने वाला। हेलो, केन भूमि पर क्या करने वाला? खेती करने वाला, फार्म, फार्मिंग। केन कौन था? आदम का बेटा, बड़ा बेटा। ओके, खेती किया और क्या हुआ? खेत में कुछ ना कुछ उगा के लेके आया, खाली नहीं आया। खेत में क्या किया? कुछ ना कुछ बीज डाला, उगवाया, परिश्रम किया, कुछ ना कुछ फल लेके आया। हेलो, आज मैं पवित्र आत्मा में एक चीज में बोल रहा हूं, तुम खेत में काम कर रहे हो, वेयर इज योर फ्रूट? द लॉर्ड डिमांड्स फ्रूट। परमेश्वर फल ढूंढने के लिए आ रहे हैं। वो मेरे साथ। तुम सुसमाचार सुने, तुम यीशु मसीह को उधारी माने, तुम परमेश्वर के रास्ते में आए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी फाइन। वचन पढ़े, प्रार्थना किए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। वेर इज योर फ्रूट? शो मी योर फ्रूट, तुम्हारा फल दिखाओ। परमेश्वर पूछ रहे हैं आज, क्या है तुम्हारे हाथ में दिखाने के लिए? इधर काइन नामक जो व्यक्ति है वो आत्मिक व्यक्ति है ही नहीं, वो परमेश्वर के ऊपर आधारित नहीं, परमेश्वर के व्यवस्थाओं को पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं, परमेश्वर के निकट करीब वाला एक व्यक्ति नहीं, परमेश्वर से दूर रहने वाला एक व्यक्ति, दुष्टता से पूर्ण वाला एक व्यक्ति, मगर खेत में काम कर रहा है, फल उगा कर लेके आता है। और इसने क्या किया? फल लेकर कहां के कहां पर लेके आया? परमेश्वर के निकट लेके आया। आर यू देयर? फल दे के परमेश्वर को तृप्त मत कर। बहुत सारे लोग सोचते हैं परमेश्वर को बहुत फल देने से परमेश्वर तृप्त है। मेरा परमेश्वर फल दे के तृप्त नहीं, तुझ में तेरी जीवन में देखकर तृप्त होने वाला परमेश्वर, तेरे जीवन की चरित्र को देखकर तृप्त होने वाले, तेरे अंदर परमेश्वर की वचन कितना श्रेष्ठ रीति से है वो देखकर तृप्त रहने वाला परमेश्वर। दोनों भाई परमेश्वर के निकट आए, एक अपने घर में से सबसे अच्छा वाला चीज लेकर आया, भेड़ बकरियों में से सबका बेस्ट वाला लेकर आके बलि चढ़ाए। दूसरे ने क्या किया? अपने खेत में कष्ट करके परिश्रम करके लाया वो फल लेके आया, मगर परमेश्वर उस फल में या उस व्यक्ति में भी संतुष्ट नहीं हुए। वाई? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के आधारित है ही नहीं था। वो मेरे साथ।
मगर एबेल की आराधना को परमेश्वर क्यों देखे, पसंद किए क्यों? वो परमेश्वर के वचन के हिसाब से था, ही वॉज एज पर द वर्ड ऑफ गॉड। उसको एक चीज विश्वास में पता चल गया कि मैं कुछ भी करूं वचन के हिसाब से करूं तो परमेश्वर नियुक्त रीति से मुझे देखेंगे। इफ यू आर वॉकिंग अबाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, देर इज ए गॉड हु सीक्स यू, हु वॉचेस ओवर यू। इसलिए बाइबल कहता है परमेश्वर की आंखें पृथ्वी की भी चारों ओर घूम रही है किसे ढूंढते हुए। परमेश्वर के वचन के हिसाब से धार्मिक बनकर जीवन यापन करने वाले लोगों को ढूंढ रही है वो सीसी कैमरा। हो मेरे साथ में हो? ये खेत में काम कर रहा है मगर परमेश्वर के ऊपर आधारित नहीं, परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित नहीं, परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता इसको नहीं, मगर खेत में काम कर रहा है, फल उपजाओ सब कुछ लेके आया, सब फाइन वेरी गुड, मगर क्या नहीं हुआ, उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ कायम नहीं था, वो परमेश्वर के वचन के साथ उसका रिश्ता अटूट था, टूटा पड़ा था। एक भाई अच्छे रिश्ते के साथ परमेश्वर की से, दूसरा एक भाई कोई परमेश्वर से रिश्ता नहीं मगर फल फूल लेके आया। आराधना करने के बाद अपने भाई का बलि भी चढ़ाया, हालेलुया। इसलिए आजकल कलीसिया के सदस्य नहीं तो मनुष्य दूसरे मनुष्य को कत्ल कर रहा है, कैसे? बातों से, हाथों से, चाकू से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, फेसबुक, ट्विटर से, ट्विच से मार रहा है, मार रहा है, मारो मारो, डोंट नो प्रॉब्लम, तेरे अंदर वचन नहीं है इसलिए तू मार रहा है। वो मेरे साथ इसलिए बाइबल कहता है अगर तू अपने भाई को निकम्मा कहा तो तू उसको क्या कर दिया, मर्डर कर दिया, हालेलुया। निकम्मा का मतलब फूल, इफ यू कॉल योर ब्रदर फूल इसलिए कभी भी जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन से उगा है, जो परमेश्वर के वचन से पला बड़ा है, वो कभी भी अपने भाई का कत्ल नहीं करेगा, वो कभी भी एबॉर्शन नहीं करेगा। ओ, एबॉर्शन क्या है? कत्ल करना, मर्डर करना। अब अभी एक नया ट्रेंड आ गया मेडिकल सिस्टम में, एक नया ट्रेंड आ गया है, वो ट्रेंड ही बन गया, आज विश्वासी लोग भी एक्सेप्ट कर दिए। क्या? अगर परिवार के सदस्य कोई रोगी है, अगर वो कोर्ट को एक अटॉर्नी लिख के देते हैं कि उस रोगी व्यक्ति को मैं देख नहीं सकता, इसकी जान ले लीजिए बोलने से लेने के लिए तैयार, हमारा एडवोकेसी सिस्टम बन गया, हमारा देश का लॉ बन गया कि मैं अपने परिवार का इस सदस्य को मैं नहीं देख सकता, वो रोगी है इसलिए क्या कर दीजिए, इसको दवाई देकर मार दीजिए। मैं नौकरी जाना चाहता हूं, मैं अपना घर बनाना चाहता हूं, मेरे को पैसों की जरूरत है, इसको मार दो। लीगली किलिंग देयर पेरेंट्स, लीगली अपने पप्पा मम्मी को मार रहे हैं, लीगली अपने बेटे भाई बंधु परिवारों को मार रहे हैं, काय के लिए? एक व्यक्ति का मौत का समय किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। जो परमेश्वर के हाथ में है वो तेरी लीगल सिस्टम से तू छीन रहा है। यू आर रनिंग अगेंस्ट गॉड, तू परमेश्वर के विरुद्ध जा रहा है। हेलो, परमेश्वर जब तक एक व्यक्ति का प्राण नहीं लेते
जीवन नहीं लेते तब तक तुझे उसको देखना जरूरी है. यू आर मस्ट एंड बाउंड टू लुक आफ्टर दैट पर्सन टिल ही डाइज. परमेश्वर के सामने तेरा लॉ काम नहीं करेगा. योर लॉ कैनॉट स्टैंड बिफोर गॉड्स लॉ. गॉड्स लॉ इज ऑलवेज अबव योर लॉ. परमेश्वर की व्यवस्था तेरी व्यवस्था से भी ऊंचाई है, ऊंचाई में. इसीलिए परमेश्वर का वचन द बुक ऑफ लॉ, इट्स अ बुक ऑफ लॉ. परमेश्वर का वचन पूरा लॉ है. इस लॉ के आधारित है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ. मर्सी किलिंग सुने हो? मर्सी किलिंग, उसको मर्सी किलिंग बोलते हैं. दया की मौत. बुजुर्ग मम्मी पापा हैं, नहीं तो घर में कोई ऐसे भाई बहन या परिवार के सदस्य जो रोगी हैं, खटिए पर हैं, उनको क्या करते हैं? लीगली मर्सी किलिंग का अटॉर्नी लिख के डॉक्टर को बोल के मार देते हैं. इट्स वेरी बैड थिंग. परमेश्वर के विरुद्ध है. अपने भाई की कत्ल मत करो. वचन तेरे अंदर होने से तू कभी भी अपने भाई को नहीं मारेगा. बातों से, हाथों से, लातों से, भूतों से, कुछ कुछ चीज से भी तू नहीं मारेगा. और एक बार बोल रहा हूं, बातों से, हाथों से, लातों से, भूतों से, शास्त्रों से, कुछ भी चीजों से तू अपने भाई को नहीं मारेगा. बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड इज इनसाइड यू. परमेश्वर के वचन तेरे अंदर होने के कारण तुझे परमेश्वर के वचन जीवित करवा रहा है. तेरे अंदर परमेश्वर के वचन बीज बनकर उग कर बड़ा हुआ है. इसलिए तू कभी भी अपने भाई का कत्ल नहीं करेगा. अपने भाई को उद्धारी का रास्ता दिखाएगा. अपने भाई को मौत की दलदल से खींच के निकालेगा. अपने भाई को नरक की फंदे से खींच कर निकालेगा. अपने भाई के दुखी दरिद्र परिस्थिति से तू उसको उद्धारी का रास्ता दिखाएगा. इसीलिए यीशु मसीह कहे कि मैं सुसमाचार उनके लिए देने के लिए आया हूं जो दीन, दरिद्र, कंगाल, जो कैदी बने हैं, उनको उद्धार, रिहाई, माफी, उनको क्या करना, पाप क्षमा, उनको अंधों को चंगा करने के, गूंगों को क्या करने के लिए, शब्द देने के लिए, चलने पाने वालों को जिंदा करने के लिए, मरे हुओं को उठाने के लिए. आई केम टू डू एवरीथिंग ऑपोजिट. इसलिए हम लोग देखे उल्पत्ति का किताब 4:2, आराधना खत्म होने के बाद खुद का भाई को क्या कर रहा है? कत्ल कर रहा है. हेलो, आर यू देयर लिसनिंग टू मी? यू मे बी ए वर्शिपर. तुम परमेश्वर की आराधना करने वाले एक व्यक्ति हो सकते हो. यू मे बी ए पर्सन हु इज ऑफरिंग योर ऑफरिंग एंड सैक्रीफाइसेस टू गॉड. तू अपना भेंट चढ़ाओ सब कुछ परमेश्वर को देने वाला एक व्यक्ति हो सकता है, मगर कभी भी तू अपना भाई को कत्ल नहीं कर सकता है. इफ यू किल योर ब्रदर, देर इज ए गॉड हु इज गोइंग टू आस्क यू. एक परमेश्वर आज भी विराजमान है, वो चिल्लाकर पूछेंगे, मेरा तेरा भाई कहाँ गया? वेयर इज योर ब्रदर? हेलो, परमेश्वर के साथ प्लीज खेलना बंद करो. डोंट प्ले विथ गॉड. आराधना खत्म हुआ, नेक्स्ट डे अपने भाई को क्या कर दिया? कत्ल. हेलो, अगर तेरे अंदर परमेश्वर की वचन की बीज पर तू उग कर आया है, परमेश्वर की वचन तेरे को जिला के लेके आया है, तू कभी भी अपने भाई को नहीं मार, कभी भी अपने भाई को कभी मारेगा नहीं. अगर कोई भी व्यक्ति अपने भाई को मारने का हिस्सा कुछ भी अपने जीवन में हुआ है, आज ही यीशु मसीह के निकट आओ. उस व्यक्ति के निकट जाकर माफी मांग कर जीवन को सटीक परमेश्वर के वचन में उगवाओ. गो एंड आस्क फॉरगिवनेस. इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तू परमेश्वर के सन्निधि में बैठा है और भेंट चढ़ा रहा है, तब तुझे याद आया कि तेरे भाई के प्रति तूने कुछ किया है. तुरंत क्या करो? अपने भेंट को चर्च में छोड़कर जाओ, भागो, रन. ऑफरिंग हाथ में लेके नहीं, ऑफरिंग को चर्च में रखकर रन. कहां? जो भाई के प्रति तुम्हारे प्रति वैरी है, उसके निकट जाकर माफी मांगो, फिर वापस आओ अल्टर के नीचे, तब जाकर भेंट चढ़ाओ. हम लोग सब ऑपोजिट. भेंट पूरा हुंडी में डालने के बाद ना माफी ना काफी.
हेलो हेलो हेलो, इट्स वो भेंट है। कैसी भेंट है? वो भेंट जो डिब्बे में डाला वो कैसी भेंट है? द ऑफरिंग माने माफी ना किया जाने वाला भेंट, अनफॉरगिवन ऑफरिंग। हालेलुया, यहां पे बोलना है। हेलो, आर यू देयर विथ मी? मेरे साथ में हो? तेरे अंदर परमेश्वर की बीज है, परमेश्वर का वचन तुझे क्या किया, तेरे अंदर विश्वास लेके आया। तू बीज बनकर बोकर उठकर आया, उसका अर्थ मतलब ये नहीं है कि मनमर्जी चल सके। नो, वचन के हिसाब से कम एस द वर्ड डिक्लेयर्स, जैसे परमेश्वर के वचन बोलती है वैसे आओ। बी स्पिरिचुअल, आत्मिक बनो। इसीलिए परमेश्वर का शब्द का प्रयोग देखे ना, कलीसिया को क्या खेत का नाम दिया जाता है। खेत उगाना बहुत अच्छी बात है, फल पैदा सब कुछ करना बहुत अच्छी बात है, मगर तेरे अंदर परमेश्वर की वचन होना चाहिए। तू एक आत्मिक व्यक्ति होना चाहिए, तेरे अंदर परमेश्वर की वचन होना चाहिए। वो कैन में नहीं था। ओ मेरे साथ में, वो कैन के अंदर नहीं था, इसीलिए वो अपने भाई का क्या कर दिया, मर्डर, कत्ल। नहीं तो और एक पद प्रयोग के हिसाब से बोल सकते हैं, अपना भाई का बलि चढ़ाया। हालेलुया, बलि चढ़ाया, सैक्रिफाइस दिस ब्रदर। हेलो, परमेश्वर मनुष्य बलि चाहते नहीं है, इट्स ए पेगन सिस्टम, वो विजातीय सांप्रदाय है मनुष्य की बलि चढ़ाना। वो मेरे साथ, तेरे आराधना मनुष्य को कत्ल करके नहीं, मनुष्य को जिला के तू आराधना कर, मनुष्य को जिला कर खेत के अंदर लेके आके बोल, कलीसिया के अंदर लेके आके बोल, मैंने इस व्यक्ति को वचन बोलकर जिलाया है, आई मेड दिस मैन टू बी लिविंग। मैंने इस व्यक्ति को अनंत जीवन में लेके आया है, मैंने इसको मौत के दलदल से बचाया है। हम दोनों एक जमाने में मौत के दलदल में थे, मगर परमेश्वर का वचन हमें जिलवाया और इस खेत के अंदर हम भी उग रहे हैं और हम दूसरों को भी उगा रहे हैं। वो मेरे साथ, वो पहली उदाहरण। दूसरी वाली देखते हैं, उत्पत्ति का किताब 5वां अध्याय उसका 29, जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 29। उसने भी यहां का उसका नाम यहोवा रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दिया है उसके विषय में लड़का हमारे साथ है और उसका परिश्रम में जो हम करते हैं आपको शांति देगा। यहाँ पे किसका नाम दिया है? नूह के नाम दिया गया। नूह भी क्या करने वाला है? फार्मिंग करने वाला एक व्यक्ति है, हाँ या ना? जो जमीन श्रपित था उस जमीन में उसने क्या किया? उगवाने का कोशिश किया। द ग्राउंड विच वॉज कर्स्ड, दैट ग्राउंड नोहा टुक इट फॉर फार्मिंग। वो मेरे साथ, नूह विश्वासी था अविश्वासी था? जवाब नहीं दिए। नूह विश्वासी था अविश्वासी था? विश्वासी। इसीलिए जो चीज को परमेश्वर बंद कर दिए वो चीज को परमेश्वर के ऊपर आश्रयवान होकर उगवाने के लिए, नहीं तो खुलवाने के लिए कोशिश किया, वो है परमेश्वर के वचन पर आधारित एक व्यक्ति का जीवन का हिस्सा। द थिंग विच गॉड कर्स्ड, ए गॉडली मैन ट्राइज टू मेक इट आउट ए ब्लेसिंग। श्राप बना एक चीज को
परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाया हुआ एक व्यक्ति आशीष के बदलाव में लेके बदलावट करने वाला एक व्यक्ति बने बन सकता है। हो मेरे साथ? इसीलिए नूह को परमेश्वर याद किए। एक और बार उस वचन को पढ़ते हैं, पांचवा अध्याय 29। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा जो पृथ्वी को श्राप दिया है उसके विषय में यह कहता हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। क्या देगा? शांति देगा। Who will render peace? इसलिए यीशु मसीह कहा, इस धरती तुम्हें देने वाली शांति मैं तुम्हें नहीं देके जा रहा हूं। इस धरती तुमको कितना देर शांति दे सकता है? दारू पीने से 8 घंटा शांति मिल सकता है, मूवीज देखने से 3 घंटा शांति मिल सकता है, एक हुक्का पीने से 5 मिनट 15 मिनट एक दिन पूरा तेरे को नींद आ सकती है, सिगार पीने से 2 दिन तक तेरे अंदर किक रह सकता है, शांति मिल सकती है, उसके बाद जैसा तेरा जिंदगी वैसा ही तेरा मरना। इस धरती का शांति तात्कालिक है, मगर परमेश्वर का वचन का शांति, परमेश्वर का सानिध्य का शांति, परमेश्वर की शांति समाधान हमें युगानुयुग तक मिल सकता है। वो शांति नूह को परमेश्वर से मिला। नूह के जमाने में बहुत कम लोग थे परमेश्वर के ऊपर आश्रयवान। उस समय में अधिकतर लोग मूर्ति पूजक थे। हाँ या ना? नूह से पहले लोग बहुत विभिन्न रीति के उपजाऊ मार्ग करके जीवन यापन करते थे, मगर शैतानिक तंत्रों के ऊपर। मगर नूह एक ऐसा एक व्यक्ति था, वो परमेश्वर के ऊपर आश्रयवान होना शुरू किया। जिस चीज को परमेश्वर श्रापित किए, उस चीज को परमेश्वर के शक्ति वचन के आधारित में आनंद शांति आशीष का परिवर्तन लाया। आज मैं तुमको सवाल कर रहा हूं, आई एम आस्किंग यू, जो चीज को परमेश्वर ने बंद किया उस चीज को आत्मिक बनकर परमेश्वर के वचन के द्वारा खोल सकते हो कि नहीं? वो चीज नूह ने किया। हेलो, हम लोग कहां से गए? परमेश्वर की कलीसिया को खेत का प्रयोग दिया गया, उस खेत का एक एक उदाहरण मैं बोल के आ रहा हूं। काइन अपना परिश्रम से खेत में उगवाया, मगर अपने भाई के प्रति क्रोध द्वेष गुस्सा रखकर अपने भाई का क्या किया? बलि चढ़ा दिया। उसके द्वारा वो श्रापित बन गया। वही स्थान पर नूह उस श्राप को तोड़ने के लिए, उस श्राप को अनुग्रह करने के लिए परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित बन गया, परमेश्वर के ऊपर आधारित बन गया। इसलिए आज सुबह मैं एक चीज भविष्यवाणी के हिसाब से मैं बोल रहा हूं, तुम भी ऐसे श्राप चीजों को आशीष में बदलने के लिए, अशांति से पड़े हुए चीजों को शांति में परिवर्तन के लिए करने के लिए, मरे हुए चीजों को जिंदा जिलाने के परिश्रम के लिए परमेश्वर तेरे अंदर वचन की बीज बोया है। उसका फल बाहर निकालो भाई। स्टार्ट रिलीजिंग द फ्रूट, बिकॉज द सीड ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड इज इनसाइड यू। परमेश्वर की वचन की बीज तेरे अंदर बोया गया है। वो मेरे साथ? अब उसी उत्पत्ति का किताब नवा अध्याय उसका 29। माफ करना, 20वां वचन, सॉरी 20। जो किसानी करने लगा उसने दाख की बाली लगाई। नेक्स्ट, उसके बाद और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। हालेलुया। किसके बारे में बताया है?
यहाँ किसके बारे में बताया गया है? हाँ ये कब का हिस्सा है? पानी के द्वारा परमेश्वर पूरी पृथ्वी को नष्ट करने के बाद नए पृथ्वी में निवास शुरू हो गया। हेलो, तब नए पृथ्वी में फर्स्ट दारू पीने वाला व्यक्ति कौन है? हालेलुया। क्यों नूह ऐसा काम किया? बोले नहीं, क्यों नूह ऐसा काम किया? किसने लगाया था वो? हाँ, किसने बोला इसको लगाने के लिए? अपने मनमर्जी का लगाया, उग कर आया। उग कर आने के बाद उसने क्या किया? दारू बनाया। दारू की बनावट कैसी होती है? बोले नहीं, दारू कैसे बनता है? कभी बनाया, सुने नहीं क्या? ग्रेप्स को लेते हैं, पानी में डालकर क्या करते हैं? उबलाते हैं और उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। छोड़ देने के बाद इसके अंदर क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेड होने के बाद, क्योंकि उबलने के बाद इसके अंदर कितने हैं माइक्रोब्स होते हैं, वो क्या करने लगता है? इस आधा बॉय, अभी देखो गर्म पानी, आधा गर्म पानी पिए तो क्या होता है? हाफ बॉयल पानी पीने से क्या होता है? कभी पिए हो? पेट में गुड़गुड़ी होता है और भागते हैं टॉयलेट। क्यों? क्योंकि जब पानी आधा उबला जाता है तब उसके अंदर क्या होते हैं? जो माइक्रोब्स रहते हैं, जो कीटाणु रहते हैं, वो आधा जिंदा आधा मरा 50-50% में रहते हैं। और जब पानी ठंडा हो जाता है ये फिर से एक्टिव बन जाते हैं। वही प्रोसेस होता है ये इसमें भी। किसमें? दारू बनाने में। ये लोग क्या आधा बॉयल कर लेते हैं? किसको? ग्रेप जूस को आधा बॉयल। आधा बॉईल करने के बाद उसके अंदर से क्या निकलने लगता है? लिक्विडिटी निकलने लगता है, जो कि वीर्य लाता है, किक लाता है। अगर अधिक खाना खा लेंगे तो हमें भी किक आएगा। अधिक खाना खाने से क्या होगा? हाँ, एक किक आएगा। इसलिए दारू किस चीज से बनती है? हर चीज से दारू बना सकते हैं। चावल से बना सकते हैं, गेहूं से बना सकते हैं, और क्या बोलते हैं, ग्रेप से बना सकते हैं, फल पौधे सब चीजों से हम बना सकते हैं, उसको अधिक 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 मात्रा से लेने से। इसलिए नूह अपने परिश्रम के बल पर खेत बनाया, उगवाया, सब कुछ किया, मगर उसी से उसने क्या किया? दारू की सृष्टि भी कर दिया। दारू पिया तो पिया, कैसा सोया? नंगा सोया। उसके बाद उसी के बेटे को वो क्या कर रहा है? श्राप दे रहा है। अरे जो व्यक्ति श्रापित चीज को आशीष में परिवर्तन करता है, वही व्यक्ति अभी पाप करके परमेश्वर से घृणा करने वाली चीजों को करके अपने बेटे को श्राप में परिवर्तन करने के हिसाब से अपना जीवन का परिवर्तन हो गया। देखो
तेरे खुद का मर्जी जब करेगा तब परमेश्वर की वचन काम नहीं करेगा, जब परमेश्वर की वचन काम करेगा तेरा मर्जी काम नहीं करेगा। When you work with your mind, the word of God cannot act properly. When the word of God acts properly, your mind cannot act. ये अपने मनमर्जी का काम किया, परमेश्वर का वचन काम नहीं हुआ। जब परमेश्वर की वचन काम करती है तो परमेश्वर की मर्जी पूरी होती है। लो, उगवाया, फल मिला, मगर वो परमेश्वर की व्यवस्था को पूर्ण करने वाले हिस्से के जैसे नहीं, परमेश्वर की वचन की पूर्णता के हिसाब से नहीं। बदले में कैसी, बदले में कैसे, पाप प्रक्रिया को दिखाने के हिस्से के जैसे नूह अपना परिश्रम को बदल दिया। हेलो, जो खेत में तूने उगाया वो किए खेत किस चीज का डोमिनेंसी तेरे अंदर दे रहा है। द एरिया वेर यू आर फार्मिंग एंड वेर यू ट्राई टू जर्मिनेट समथिंग, व्हाट डिड इट कॉज इनसाइड यू, वो तेरे अंदर क्या उगवा के लेके आया। वो नूह के अंदर दारू लेके आया, वस्त्रहीनता लेके आया, श्राप अपने बच्चों के ऊपर लेके आया। मेरे बात सुन रहे हो? तू खेत में काम किया, फल पौधे आए, वो किस चीज को डोमिनेट करके दिखवाया, व्हाट इट डोमिनेटेड आउट, इज इट सिन और इज इट वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की वचन या पाप। शैतानिक तत्व या दैवत्व, इज इट सैटनिज्म और गॉडलीनेस, क्या है तेरे परिश्रम से क्या निकला, क्या तू रिजल्ट दे रहा है। मेरे साथ में हो? प्रेज जीसस। तुझे परमेश्वर नाव में रखकर 1 साल 17 दिन तक परमेश्वर तेरे को सुरक्षा रख के तेरे को क्या की है, बाकी लोगों को नामो निशान के रीते से पानी में दबोच कर मार दिए, तब तुझे बचाए, तुझे उद्धारी में लेके आए, तुझे एक नया जमीन दिए, तुझे एक नया पृथ्वी में प्रवेश करवाए। क्यों? ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा जो उग्रता लोगों के ऊपर आई वो अपने ऊपर ना आने के हिस्से के हिस्सा से परमेश्वर के वचन के आधारित हो। उसी रीति से परमेश्वर तेरे लिए सब कुछ किए, तू अब क्या बन गया। हेलो, वही नाह नूह से पूछा गया वही सवाल आज मैं मुझसे पूछ रहा हूं, आज मैं आपसे पूछ रहा हूं। जो कुछ तुझे मिली है उससे तू क्या कर रहा है। वट एवर यू गॉट विथ यू, What did you do with it? परमेश्वर तेरे को जीवन दिए, परमेश्वर तेरे को आरोग्य दिए, परमेश्वर तेरे को मस्तिष्क दिए, परमेश्वर तेरे को बुद्धि दी है, परमेश्वर तेरे को पैसा दिए है, परमेश्वर तेरे को गाड़ी दी है, परमेश्वर तेरे को सब कुछ दिए, तू उसे क्या रिजल्ट दे रहा है। इज इट दैट रिवीलिंग द वर्ड ऑफ गॉड, वो परमेश्वर की वचन की पूर्णता दिखा रहा है क्या। वो लोगों को आशीष दिलवा रहा है क्या। वो देश में चंगाई दिला रही है क्या। वो लोगों में परिवर्तन ला रही है क्या। वो लोगों के अंदर मानवता दिखा रही है क्या। वो लोगों के अंदर ईश्वर स्पर्शीय बन रहा है क्या। अगर नहीं बन रहा है, वापस आओ वो ही परमेश्वर के बीच के निकट।
स्टार्ट रिफरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन की सीखना शुरू करो, परमेश्वर के वचन के सिंचन में आओ, परमेश्वर के उस फार्म हाउस के अंदर आओ, कम बैक टू द चर्च। इसीलिए कलीसिया जो खेत है, उस खेत के अंदर इस दुनिया के सब मनुष्य आना जरूरी है। इट्स ए मस्ट डी फॉर एवरी वन टू कम टू चर्च। पुराने नियम में आराधना की व्यवस्था केवल इसराइलियों के लिए ही था, मगर चंद कितने लोग इसमें आ गए, जैसे कि रूथ। जैसे कि अब्राहम, जैसे कि योब, ये लोग सब अन्य जाति के थे, मगर परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित, परमेश्वर के ऊपर आधारित होने पर परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया इनको परमेश्वर के वचन पे आधारित करवा दिया। इसके द्वारा वो अपने जीवन को परिवर्तन में लाए। मगर नूह का परिस्थिति क्या हुआ? शुरुआती दौर बहुत अच्छी तौर से चला, आखिरी दौर में उसकी जिंदगी कहां ले चली? वो मेरे साथ, तुझे परमेश्वर के वचन में उगवाया है, तुझे परमेश्वर के खेत में तेरे को बड़ा करके लाया गया है। इसका अर्थ अपना मनमर्जी करना नहीं। इट्स नॉट ए डील टू डू योर थिंकिंग, योर एक्शन, योर वर्क। तेरी काम, तेरी परिश्रम, तेरी बुद्धि, तेरी सामर्थ्य दिखाने का जगह नहीं है। Show something which is related to the word of God. दिखाओ ऐसे कुछ चीज जो परमेश्वर के वचन के आधारित है। Show something which is revealing the godliness. ऐसा चीज दिखाओ जो कि दैवत्व को दिखाने वाला चीज है। Show something which is revealing heaven. ऐसा चीज दिखाओ जो स्वर्ग को खोला दिखवा सकता है। वो है परमेश्वर की बीज का शक्ति। इसीलिए कलीसिया का उदाहरण बहुत मुझे पसंद आया। कलीसिया को प्लांटेशन के हिसाब से बताया गया है, खेत खेत। उस खेत का बीज तुम हो, तुम्हारे अंदर वो वचन बीज बोया गया है। नूह अपने बुद्धि पर, अपने परिस रिजल्ट क्या मिला? हेलो, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ ओन एक्टिविटीज विथ हिज ओन थिंकिंग, ओन स्ट्रेंथ, अपना मर्जी, अपने शक्ति से क्या? इसीलिए बाइबल कहता है ना बुद्धि से, ना शक्ति से, ना सामर्थ्य से, परमेश्वर के आत्मा की अभिषेक से, परमेश्वर की वचन के शक्ति से कुछ ना कुछ स्थापना करो, कुछ ना कुछ उगाओ, कुछ ना कुछ समृद्धि में लाओ, कुछ ना कुछ हिस्साओं का तोड़ फोड़ करो, कुछ ना कुछ चीजों का खड़ा करो। अगर वचन पाया हुआ व्यक्ति नहीं करता तो कौन करेगा? जो वचन पाया हुआ व्यक्ति नहीं कर रहा है तो उसी व्यक्ति से शैतान काम करवाएगा। हेलो, वो एक उदाहरण है। परमेश्वर हमें बोल रहे हैं, द वर्ड ऑफ गॉड इज बीन रिवील्ड टू यू। परमेश्वर का वचन तुझे बताया गया है, उसका ऊपर तेरा आश्रय नहीं ठहरता है तो कोई दूसरा भूत शक्तियां तेरे ऊपर आश्रय करवाएगा। तुझे से आश्रय करवाकर कुछ भौतिक कार्याएं करवाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? इफ यू आर नॉट रिलाइंग अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड,
द ऑपोजिट फैक्टर और द सैटन और द डेविल विल इंफ्लुएंस यू टू सप्रेस द वर्ड ऑफ गॉड. परमेश्वर की वचन को कुचल डालने के हिस्से के हिसाब से शैतानिक शक्तियां तेरे ऊपर काम करने लगेगा. इसलिए आज कलीसिया का सदस्य को एक चीज परमेश्वर याद दिला रहा है कि तुझे कुचलने के लिए नहीं परमेश्वर बुलाए, तुझे परमेश्वर उगवाने के लिए बुलाए हैं, तुझे परमेश्वर जान देने के लिए बुलवाए हैं, तुझे परमेश्वर शांति देने के लिए बुलाए हैं, तुझे परमेश्वर वचन के आधारित होने के लिए बुलाए. कम बैक राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस. यीशु मसीह के नाम में तू वापस आ. नूह वापस आ, कम आउट. इसलिए इधर बताया गया क्या, अपने बुद्धि मर्जी पर जो किया किसका फायदा गया? परमेश्वर का फायदा गया, परमेश्वर को लाभ मिला, परमेश्वर के वचन की लाभ हुई, भक्तों की कुछ उन्नति हुई, धार्मिकता की कुछ अन्वेषण हुई. नो, ऑपोजिट. लोगों को आइडिया आ गया कि दारू कैसा बनाना है. नंबर वन. दो, दारू पीने के बाद कैसा पागल बनना है बता दिया गया. तीन, पिया तो पिया, पीने के बाद उठ गया ना, उठने के बाद मुंह से निकलने वाली बात क्या है वो भी पता चल गया. हेलो, इफ यू आर रनिंग अगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड यू आर डीलिंग विथ सैटनिज्म. अगर तू परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है आ रहा है तो सोच ले शैतान का सेवक है तू, तेरा पादरी शैतान है और तू कलीसिया शैतान के कलीसिया में जा रहा है. ये थोड़ा कठिन है, मुझे पत्थर मारेंगे, मुझे मालूम है, तो भी मैं बोल रहा हूं. इट्स अ डिफिकल्ट पोर्शन, आई नो पीपल विल स्टोन मी, बट इट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड डील्स. हेलो, प्रेज लॉर्ड नहीं दिया, प्रेज लॉर्ड सुनाई नहीं दिया. बहुत कठिन वाला चीज है. पत्थर मारने के लिए मन कर रहा है क्या? मार सकते हो, नो प्रॉब्लम. इफ अगर तुझे परमेश्वर की वचन की माध्यम दिखाई नहीं दे रही है तो आई एम वेरी सॉरी, मैं माफी के साथ बोल रहा हूं. यू आर डीलिंग विथ समबडी हु इज अगेंस्ट गॉड. तू परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा हुआ एक व्यक्ति के साथ है. इसलिए पवित्र आत्मा बोल रहा है कम बैक, वहां तेरी उन्नति नहीं होगी, परमेश्वर के वचन के निकट वापस आ जा. इसीलिए परमेश्वर आज डिक्लेयर कर रहे हैं, नूह गलती किया, आई नो इट, रिपेंट बैक, मन फिराओ, वापस अपने मन को परिवर्तन के साथ वापस आ. मैं अपने वचन की सामर्थ्य को दिखाना चाहता हूं, मैं स्वर्गीय पदवियां दिखाना चाहता हूं, मैं व्यवस्था की श्रेष्ठता दिखाना चाहता हूं. आई नीड यू नो, मैं तुझे मैं तुझे पाने की कोशिश कर रहा हूं नूह, तू मेरे साथ आ, आई नीड यू, तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता. नूह कम बैक. कलीसिया के पादरी कम बैक, कलीसिया के मुख्य कम बैक, मैं तेरे साथ ही कुछ करना चाहता हूं, तेरे द्वारा ही कुछ करना चाहता हूं. वो नूह तू बन, वो याजक तू बन, वो बीज बोने वाला व्यक्ति तू बन. हेलो, इसलिए कलीसिया को खेत के नाम में प्रयोग किया गया है. हम खेती हैं, हमारा खेती इससे होना चाहिए, इसके आधारित होना चाहिए, इसके द्वारा स्वर्ग को उतरवाना चाहिए, इसके द्वारा आशीष को दिखवाना चाहिए, इसके द्वारा शांति को दिखवाना चाहिए, इसके द्वारा चंगाई को दिखाना चाहिए, इसके द्वारा परिवर्तन को दिखाना चाहिए. कैन का जीवन क्या हुआ? आराधना किया,
मगर परमेश्वर से अलग हो गया, अपने भाई को कत्ल कर दिया, खेती किया, बाड़ी किया, सब कुछ किया, फायदा किसका गया? परमेश्वर की फायदाओं को क्या किया? शैतानिक फायदाओं में बदल दिया। नूह भी एक जमाने में परमेश्वर की फायदा में जीवन यापन करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर पर आश्रय करने वाला व्यक्ति था, मगर जीवन की स्थिति ऐसा एक मोड़ में उसको लेकर लाके खड़ा कर दिया कि वो परमेश्वर के तत्व से क्या हो गया, मुड़ गया। इसलिए आज पवित्र आत्मा याद दिला रहे हैं, तुम भी कहीं भी मुड़ गए हो, द लॉर्ड इज सीकिंग यू, परमेश्वर तुझे ढूंढ रहे हैं। कैन यू कम आउट? तुम बाहर आ सकते हो क्या? तेरे निकट परमेश्वर की वचन आ खड़ा है, परमेश्वर खुद खड़े हैं। आजा और उस वचन के आधारित अपने जीवन को परिवर्तन में ला। परमेश्वर तुझे खेत में रखना चाहते हैं और परमेश्वर तेरे हाथ में परमेश्वर की वचन की बीज देना चाहते हैं। जा, जहां कहीं भी जा, बो। शैतान का उस पृथ्वी में परमेश्वर के वचन के आधारित आत्मा की अभिषेक के प्राप्त कुचल डाल, उस जमीन को सटीक कर, उस जमीन का पत्थरें निकाल डाल, उस जमीन को अच्छी तरीके सिंचन दे, उस जमीन की अच्छी गंदगी को निकाल हटा और तेरे हाथ में जो परमेश्वर की वचन है उसको बो। स्टार्ट सॉइलिंग द वर्ड ऑफ गॉड। डर मत, 21 दिन के बाद उग कर आएगा, फल लेके आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। इसलिए मैं अपने वचनों को बंद करना चाहता आज के इस सुबह के समय अपने जीवन को एक बार परमेश्वर के सन्निधि में समर्पण करेंगे, बोलेंगे परमेश्वर मैं तेरी वचन के आधारित आना चाहता हूं। अपने आंखें बंद करेंगे, परमेश्वर के सन्निधि में समर्पण करेंगे, बोलेंगे परमेश्वर मैं कलीसिया का भाग सौभाग्य में हूं, मुझे परमेश्वर उगने के लिए परमेश्वर का वचन दिया गया है, मैं तैयार हूं परमेश्वर तेरी वचन के ऊपर आधारित होने के लिए। जो कैन नहीं कर सका वो मैं करूंगा, जो नूह ने किया वो मैं नहीं करूंगा, परमेश्वर तेरी वचनों के आधारित कुछ ना कुछ उगवाऊंगा, तेरे वचन पर मैं चलूंगा, तेरे वचन के माध्यम से जीवन को दुनिया में दिखाऊंगा, तेरे वचन के मैं शांति को लोगों के अंदर दिखवाऊंगा, तेरे वचन के द्वारा चंगाई को लोगों के अंदर दिखवाऊंगा, तेरे वचन के द्वारा लोगों का बंधन को तोड़ूंगा परमेश्वर। ऐसे ही एक श्रेष्ठता मेरे अंदर दे। आज सुबह के समय परमेश्वर के सन्निधि में समर्पण करते हैं, प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज सुबह के समय तेरी वचनों के आधारित परमेश्वर तेरे सम्मुख आकर खड़े हैं। परमेश्वर तूने आज परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें बात किया, इसीलिए धन्यवाद परमेश्वर। हमें परमेश्वर तेरी वचन के आधारित उगवाया है परमेश्वर, तेरी वचन से हमें जिंदा दिलाया है परमेश्वर। उस वचन के आधारित बहुतों को जिलवाने के लिए हमें सहायता दीजिए। आज परमेश्वर के वचन उपयुक्त रीति से मुझसे बात किया, इसीलिए धन्यवाद। मेरी परिवर्तन हुई, इसलिए धन्यवाद। मेरी मन की बदलावट हुई, इसलिए धन्यवाद। मेरी द्वारा परमेश्वर कुछ ना कुछ आपने किया, इसलिए धन्यवाद। वचन सुना हुआ भाइयों को बहनों को आशीष कीजिए परमेश्वर के सामर्थ्य और शक्ति के द्वारा, उनके जीवन में बढ़ोतरी दीजिए बोल के प्रार्थना करता हूं। आदर और महिमा सब कुछ आपके हाथ में हम सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन, हालेलुया।